गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 विशेषण। आइए हम इनके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखो। सेकंड क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखो। थर्ड क्वेश्चन है, विशेष की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। आइए हम इनके आंसरों को देखें। पहला क्वेश्चन है, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या फिर जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है ना, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, है ना। अब इसका उदाहरण, जैसे आसमान का रंग नीला है, ये एक वाक्य है, ठीक है। अब इसमें इनमें नीला जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और आकाश जो या आसमान जो है वो उसकी विशेष है, ठीक है। विशेषण जो विशेषता बता रहे हैं कि ये नीला है, लेकिन विशेष क्या है? आसमान या आकाश है, ठीक है। आइए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखो। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। ये थे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर। आई एम थर्ड नंबर आंसर है, विशेष की परिभाषा उदाहरण से लिखो। विशेष विशेषण शब्द संज्ञा विशेषण शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण शब्द द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं, ना। जैसे विशेषता है, जैसे उदाहरण है, ऊंची दुकान, गरीब आदमी, नटखट चूहे, फीकी पकवान या मोटा सेठ। तो जो ऊंची है वो क्या है? विशेषण है। और जो दुकान है वो क्या है? उसकी विशेष है, ठीक है। गरीब विशेषण है और आदमी जो उसकी विशेष है, है ना। इसी तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। आइए हम क्वेश्चन खा देखते हैं। उचित विशेषणों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जो दूसरों पर दया करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर उसके विशेषण बताना है, तो यहाँ पर क्या है? दयावान, ठीक है। मेरी कक्षा में खाली स्थान छात्र हैं, तो यहाँ क्या आएगा? ज्ञानी। इतिहास पढ़ने से खालिस्तान घटनाओं का ज्ञान होता है, ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान होता है। समाज में रहकर खालिस्तान नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सामाजिक नियमों का। मनुष्य को खालिस्तान गुण नहीं छोड़ना चाहिए, तार्किक गुण नहीं छोड़ना चाहिए। आइए गा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, इसका आंसर राइट है। दो, अनेक, कुछ, ये शब्द परिमाणवाचक के उदाहरण हैं, तो ये क्या है? गलत है। ये किसके उदाहरण है? ये संख्यावाचक के उदाहरण, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं, तो इसका आंसर है सही। गुण, दोष, रंग, रूप संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, गलत, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ना। इसलिए यहाँ पर क्या आया? रोंग। तो आज ये आपका कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर खा गा, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है कि आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।